है गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं हूँ सफ़िया खान कैसे हो आप सब सो so, दोस्तों so, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ ग्लिटरी स्मोकी आई मेकअप लुक जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड इसमें ना मैंने नॉर्मल आउटफिट पहना है एंड ज़्यादा कुछ ईयर वगैरह भी नहीं पहनी है तो ये जस्ट मतलब एक सिंपल सा स्मोकी आई ग्लीटर मेकअप है तो वीडियो इन्जॉय करना एंड वीडियो एंड तक देखना वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना सबसे पहले मैं अपने स्किन को टोन कर लूँगी गुलाबरी रोज़ वाटर के साथ यहाँ मैं कर रही हूँ मेकअप बेस के लिए स्किन सॉल्व बटर क्रीम काफ़ी अच्छा बटर क्रीम है विंटर्स में आप लोग जो इसको ट्राई करना आ, देन आ, मैंने अपने लिप्स पे नीविया चेरी लिप बाम लगाया था देन उसके बाद मैंने अपने अंडर आई आ, क्रीम को अप्लाई कर लिया था बेलाविटा ऑर्गेनिक का ये अंडर आई क्रीम है देन उसके बाद मैं अपना फेवरेट बॉडी अप्लाई कर लूँगी वाव स्किन साइंस ब्रांड से आ, तो अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ तो लैकमे का मैंने यहाँ पर प्राइमर यूज़ किया नाइन टू फाइव प्राइमर मर है उसके बाद मैं मतलब आई मेकअप करूँगी तो सबसे पहले कंसीलर यूज़ कर रही हूँ कंसीलर मैंने यहाँ फिटमी का यूज़ किया था इन द शेड साइन लूस पाउडर से मैं अपने आई मेकअप के लिए आई को सेट कर लूँगी अच्छे से ल्लैक में लूस पाउडर ये काफ़ी अच्छा लूस पाउडर है देन उसके बाद यहाँ पर मैंने मतलब ब्लैक काजल लिया था इसको जस्ट मैं अपने लेट पे अप्लाई करूँगी बिकॉज मुझे ना स्मोकी आइज़ चाहिए थी तो मैं काजल का यूज़ कर रही हूँ आप चाहो तो आई शेडो पैल्ट से ब्लैक कलर पिक करके वो भी कर सकते है तो यहाँ पर मैं मतलब लिट पे अप्लाई करने के बाद ट्रांजिशन शेड में यूज़ करूँगी लाइट ब्राउन पहले मैं यूज़ करूँगी बहुत ही लाइट ब्राउन जो होता है वो मैं यूज़ करूँगी दैन उसके बाद मैं थोड़ा डार्कनप शेड लूँगी बिकॉज जो मेरा दुपट्टा है वो थोड़ा कलरफुल टाइप में है तो मैंने थोड़ा डार्कनप ट्रांजिशन शेड भी लिया तो इन दोनों का ना जो मतलब ब्लांड हुआ वो बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड बाकी आप लोगों को कमेंट डाउन करके बताना है कि आपको मेरा आई मेकअप कैसा लगा मैंने अपनी तरफ से कोशिश की बाकी अच्छा नहीं वो लगा हो या अच्छा हो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग को बताना कैसी लग रही थी मैं तो यहाँ पर ना मैं जो लिट को मतलब मैंने ब्लैक किया था उस वहाँ पर मैंने ये ब्लू हेवन का लिक्विड आई शेडो अप्लाई किया ये काफ़ी अच्छा ग्लिटरी आई शेडो हो आई शेडो है दैन उसके बाद मैंने काजल अप्लाई कर लिया था ब्लू हेवन का ये काजल है मैंने अपने पिंकी फिंगर से ही अप्लाई कर लिया था इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूंगी मैं गोल्डन कलर से देन उसके बाद वाटर लाइन को मैं स्मॉच कर लूंगी पिंक एक शेड था मेरे पास आई हेड पैल्ट में से मैंने पिक किया था तो मैंने इस वाटर लाइन को उससे ही मतलब स्मर्च कर लिया था ठीक है तो देन यहाँ पर मैं अपनी ब्रोज को फिल कर लूँगी मेरी जो प्रोज है इनमें ना थ्रेडिंग मुझे करवानी है मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा मैं जल्दी ही कराऊंगी एंड इस वीडियो में आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज है एंड ज़रूर आप लोग जरूर बताना कि मेरा इस वीडियो में आपको बैकग्राउंड कैसा लगा मैंने कुछ नया करने की सोचा तो आप लोग जरूर बताना ना मस्कारा अप्लाई कर लूँगी मैं मैबलिन का क्लासल मस्कारा है एंड यहाँ पर मैंने कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं किया था बिकॉज ये जो आ, मतलब मेकअप था ना मुझे सिंपल ही रखना था तो यहाँ पर मैंने यूज़ कर रही हूँ पॉन्ट्स का बीबी -बी क्रीम ये काफ़ी अच्छा बीबी -बी क्रीम है मतलब आपको फुल कवरेज देता है अगर आप कोई अच्छा यू you नो know, देख रहे हो ना तो आप इसके साथ जा सकते हो फिर मैं ब्लशर अप्लाई कर लूँगी पाउडरी ब्लशर यूज़ कर रही हूँ बट विंटर्स में आप लोग कुछ लिक्विडी अगर करना चाहते हो तो आप लोग कर लेना बट दैट uh, टाइम मेरे पास था नहीं तो मैंने पाउडर ही कर लिया था uh, तो ब्लशर अप्लाई करने के बाद मैं अपनी नोज़ एरिया के पास भी ब्लशर अप्लाई करूँगी वैसे तो ठंड है तो हमारी नोज ऑलरेडी रेडी रहती है फिर भी अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो मैं अपनी चिक्स बोन्स को भी हाईलाइट कर लूँगी अच्छे से आप देख सकती हो ये जो हाईलाइटर है कितना तो अच्छा लग रहा है फेस पर यू you नो know, अप्लाई करने के बाद uh, मैं अपनी ब्रो बोन के पास भी थोड़ी बहुत हाईलाइटिंग करूँगी ब्रो बोन के पास भी आप लोग ज़रूर हाई किया करो देन उसके बाद मैं अपने ब्रिज ऑफ द नोज़ क्यूपिड बोक को हाईलाइट कर लूँगी फिर जो मैंने अपने स्टार्टिंग में लिप बाम अप्लाई किया था ना उसको मैं क्लीन कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर दैन उसके बाद मैं अपना फेवरेट लिक्विड मैट लिपस्टिक अप्लाई करूँगी बिल्कुल ना मेरे आउटफिट के साथ जा रहा था कुर्ते के साथ आ, ये थोड़ा कॉस्टली लिपस्टिक है इसका अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसके सारे स्वेचेज मैं आपको दिखाऊँगी ये मैंने नायक से परचेज़ किया था बाकी इससे मिलता जुलता कोई शेड अफोर्डेबल प्राइजेस में मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी आप लोग चेकआउट कर लेना जब उसके बाद मैं अपना हेयर स्टाइल बना लूँगी थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं हेयर क्लिप लगाऊंगी स्टार वाला हेयर क्लिप था ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था सो तो ये जो आप दुपट्टा देख रहे हो थ्री वी थ्री इन वन दुपट्टा है इस दुपट्टे का एक अलग से वीडियो भी बना दूँगी अगर आप चाहोगे थे तो ये मेरा फाइनल लुक है मेकअप का ब्लैक चूड़ियाँ भी मैंने डाल ली थी ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ एंड वीडियो पसंद आई हो या फिर आप लोगों के लिए ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस लुक में काफी सारी मैं ना यूट्यूब शॉर्ट्स इंस्टाग्राम रील्स भी आप लोगों साथ शेयर करूंगी तो आप लोगों वो भी जरूर चेकआउट करना एंड चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय